मध्य प्रदेश के गुना नगर में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु काढ़ा सेवन का आवाहन करने पर आज हनुमान चौराहे नेकी की दीवार पर विजय स्तंभ चौराहे पर समाज सेवियों ने गिलोय काली मिर्च तुलसी पत्ते अदरक का काढ़ा बनाकर पुलिस कर्मियों के साथ अन्य लोगों को पिलाया। वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश बिरथरे ने बताया कि ये काढ़ा एक सप्ताह तक असरदार रहेगा। गुना से कैमरा पर्सन योगेंद्र शर्मा के साथ आरके शर्मा की रिपोर्ट। दरोगा जी, कल प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद में पूर्णतः 3 तारीख तक लॉकडाउन किया गया है। उसके तहत आज आप यहाँ सुबह से लोगबागों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आज चालानी कार्रवाई की जा रही है। थोड़ा सा आप देख रहे हैं, सारे लोग बगल बगल में खड़े हुए हैं। हुमन जो एक दूरियां होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसमें थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय में आप कुछ कहेंगे। आप ही बोल दीजिए। हम तो पूरी वैसे व्यवस्था बनाई है, ये चालानी कार्रवाई की आप 2 पे कर रहे हैं कि 3 पे कर रहे हैं, किस तरीके से वुमन एसपीएसटी बढ़ेगी उसकी? सबसे ज्यादा मात्रा में गिलोय, तुलसी, अदरक, हल्दी, नीम, इलायची, लौंग, पीपल, जो हमें तिरको। इसका एक डोज जो आप देते हैं उसका एक डोज का असर कितने टाइम तक रहता है? एक डोज का असर कम से कम एक हफ्ते तक रहेगा। तो ये रोजाना आपका चल रहा है? जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर बताइए, आज आप क्या ये नेकी दीवार पे क्या बांट रहे हैं, क्या पिला रहे हैं लोगों को? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी कल अपने भाषण में ये निर्देश दिया था कि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का काढ़ा पिए, और उसी काढ़े का वितरण रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ओम प्रकाश बिरथरे, धन्यवाद। रिटायर्ड सीनियर फिजिशियन, राजस्थान गवर्नमेंट का।